तो हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे घर बनाए हैं हम लोग। तो पहले शुरुआत से ही दिखाता हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं घर के अंदर और सीमेंट सब आ चुका है और यहां पे पहले से मतलब पूरा खाली है। तो अभी पहले सेलो कब बनाएंगे ताकि पानी देने में सुविधा हो, पानी का बहुत ही ज़रूरत होगा, तो इसीलिए पहले सेलो बना लेते हैं। तो जैसे कि सेलो बन चुका है, तो बनने के बाद अभी मिस्त्री लोग आने वाले हैं। तो मिस्त्री लोग जैसे कि आ चुके हैं और अभी गड्ढा खोद रहे हैं। तो गड्ढा खोदने के बाद अभी यहाँ पे नीचे में ढलाई वगैरह होगा, तो पहले दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग ऐसा ढलाई हो रहा है। उसके बाद जैसे कि ढलाई होता है, उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अभी दीवार देंगे। तो दीवार देने के बाद जैसे कि ये भैया मतलब मिस्त्री लोग दे रहे हैं दीवार, तो देने के बाद ठीक है मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे कि मिस्त्री लोग अभी दीवार बना रहे हैं, तो बनाने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है अभी, तो क्योंकि ये बन चुका है। उसके बाद अभी यहाँ पे सामसेट वगैरह भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग ने दे दिया था वो उधर बीच में, तो उसको काटना पड़ा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे वो काटना पड़ा हम लोग को, क्योंकि सीढ़ी में उठेंगे या फिर उतरेंगे तो मुंडी में लग सकता है, तो इसीलिए हम लोग को काटना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग काट दिए हैं इसीलिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सीढ़ी। तो वहाँ मम्मी जी बैठे हुए हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बालू वगैरह भी दे दिए हैं और तार वगैरह आ चुका है ढलाई के लिए। ये हम लोग का पुराना घर था, यहाँ पे अभी नया बना रहे हैं इधर। तो जैसा कि मिस्त्री लोग आ चुके हैं, अभी सेंटरिंग का पटा वगैरह सब लगा रहे हैं, वाल भी हुआ तो लगा रहे हैं भाई। मिस्त्री लोग आ चुके हैं और हम वहाँ पे मेरे भतीजा भी हैं, वो भी काम पे लगे हुए हैं और वो पापा जा रहे हैं। अभी पाटा वगैरह सब शायद शॉर्ट हो सकता है, वो भेजा नहीं है अभी तक, जो भेजने वाला था वो पता नहीं क्या कॉल भी नहीं उठा रहा है बेकार में। मतलब मिस्त्री लोग अभी बैठेंगे क्या, अगर बेकार में टाइम बर्बाद हो जाएगा तो बेकार में पैसे वगैरह सब ले लेंगे। तो जा रहे हैं, तो चलिए मैं आप लोग को इस साइड का दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिस्त्री लगा हुआ है, वो बांस वगैरह सब उठा रहा है। तो गाइस थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है, यहाँ बांस वगैरह सपोर्टिंग के लिए दे दिए हैं, वरना गिर भी जाएगा ना छत, तो दे चुके हैं। तो वापस मैं यहाँ पे सीढ़ी में चढ़ के दिखाता हूँ ऊपर का क्या हाल है। तो गाइस यहाँ पे पाटा वगैरह सब लग गया है एक रूम में, तो दूसरा वाला रूम में लगा रहे हैं और पाटा का शॉर्टेज हो चुका है। तो मिस्त्री लाने वाला था बट लाया नहीं अभी तक, पता नहीं क्या जो कर रहा है, वो कॉल भी नहीं उठा रहा है, व्यस्त व्यस्त बोल रहा है। तो अभी ये मेरे भतीजा हैं जो लगा रहे हैं पाटा, इसको लगाना आता नहीं है इतना, जैसे पूरा फाँक वगैरह सब कर दिए हैं, कार्टून वगैरह लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है आगे। इधर साइड वगैरह घर सब हैं, हम देख सकते हैं। और ये है जो है काम चोर है, तो पता नहीं बेकार में बस खड़ी रहती है, पैसा ही ले सकते हैं, कोई पता नहीं, छोड़ो उसको। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये अभी बाहर का भी लग चुका है, तो बाहर भी अभी लगा दिए हैं और सीढ़ी वहाँ पे बन चुका है जो कि पहले नहीं था, अभी एक ही सीढ़ी हुआ था, तो अभी दूसरा वाला भी बन चुका है। तो इधर खिड़की है, पता नहीं उधर भी रसोई है, वहाँ से अच्छा नहीं आएगा, तो फिर भी बना दिए हैं खिड़की वहाँ से अगर भविष्य में कुछ हुआ। तो अभी ये आ चुका है, मिस्त्री लोग आए नहीं है अभी, तो मैं आप लोग को पूरा दिखाता हूँ क्या से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी तिरपाल वगैरह बिछाना पड़ेगा ताकि, तो गाइस यहाँ पे अभी तिरपाल वगैरह लगाना पड़ेगा और अभी तक तो मिस्त्री आए नहीं है, तो जाके देखता हूँ क्या हाल है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी मिस्त्री आ चुके हैं और अभी काम पर लगे हुए हैं और रोड वगैरह सब बांध रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रोड वगैरह सब बांध रहे हैं और वो नीचे में दे दिए हैं ताकि वो रोड ठोकर में रहे और त्रिपल वगैरह सब ना लगे, तो लोग दे चुके हैं। और अभी मैं फैन वगैरह भी तो लगाना पड़ेगा, लाइट वगैरह, सो इसीलिए भैया को बोल दिया हूँ, तो आ रहे हैं अभी। तो बोले थे आएंगे अभी 12 बजे तक, पर पता नहीं अभी कहाँ, बोले कि भाटा वगैरह में कहाँ पर काम पर लगे हुए हैं, तो शाम को आने वाले हैं, तो 3-4 बजे तक आ जाएंगे, खाना वगैरह खाएँगे नहाएँगे फिर आ जाएँगे बोले। तो आने से मैं दिखाता हूँ, तब तक आप इधर का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है क्या नहीं है। वो उधर अंकल का घर है, इधर भी साइड से मैं ऐसा चारों तरफ नज़ारा कुछ ऐसा है, तो जैसे कि लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलिए और दिखा, मिस्त्री तो आ रहे हैं वहाँ पे, एक वाल भी मैं एक्स्ट्रा मतलब वहाँ पे जो था वो एक्स्ट्रा दे देते ना ये साइड में, हाँ यहाँ पे दे दे, तो उसको दोबारा देना पड़ेगा, तो वहाँ पे वाल भी दे देंगे ताकि जब 2 ताला बनाएंगे तो उससे मतलब दिक्कत नहीं होगा, तो थोड़ा मजबूत होगा। तो अंकल का घर है वहाँ पे। तो गाइज अभी भैया ने कॉल किए, तो बोले कि आ रहे हैं, तो आ चुके हैं।
यहाँ पे अभी फैन वगैरह का लगा दिए हैं, तो लाइट वगैरह लगा चुके हैं, तो अभी लगा रहे हैं, वो पाइप वगैरह देंगे, तो पाइप देने के लिए वो गड्ढा कर रहे हैं वहाँ पे, तो जैसे ही चारों तरफ गड्ढा होगा उधर, ताकि पाइप को अंदर घुसाएंगे, तो गाइज शायद अंधेरा हो जाएगा क्योंकि अभी 4-5 बज चुका है, तो अंधेरा हो जाएगा इसलिए मुझे लाइट लाना पड़ेगा। बट भैया लोग थोड़ा लेट में आ गए ना, तो इसलिए लाइट वगैरह लाना पड़ेगा क्योंकि कल ही ढलाई है, तो जल्दी से काम करना पड़ेगा, तो रात होने से भी करना पड़ेगा, तो अभी रात में ही कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ, लाइट वगैरह ले आया हूँ वहाँ से, मतलब जाना पड़ा उधर चौक, तो लेके आया मैं लाइट, उसके बाद यहाँ पे लगा दिए हैं, तो काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं सुबह उठ के जाके देखता हूँ, तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है इधर का, इधर पूरा लाइट वगैरह पाइप वगैरह सब लग चुके हैं, तो करने के लिए कम से कम 8-9 बज गया था, रात को हम लोग लगे हुए थे तीनों यहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद ये पाइप वगैरह सब देते हैं, ऊपर 2 तला वाले, मतलब 2 तला जाएगा, तो इसके लिए इधर से पाइप लगा हुआ है। तो गए जब ही हम लोग खाना वगैरह बनाएंगे तो गाँव वालों को भी देना पड़ेगा, तो मतलब भोज देंगे, तो ये मेरा बहन है और वो अच्छा देख सकते हैं, आप लोग खेल रहे हैं वगैरह, खाना वगैरह बना रहे हूँ, और तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसा होता है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ, ढलाई वगैरह होगा यहाँ पे, तो फिलहाल मुझे पूजा करना होगा इसीलिए मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर गाइज मैं नहा के आऊँगा, उसके बाद पूजा करना पड़ेगा क्योंकि पापा को सर्दी लगा हुआ है, इसीलिए मुझे ही पूजा करना पड़ेगा, तो मैं जाके लेके आता हूँ, थाली वगैरह सब लेके आना पड़ेगा, और जैसे कि मैं लेके आ चुका हूँ थाली वगैरह, थाली में भोग वगैरह है, नाड़िया वगैरह सब कुछ है, तो अभी पूजा कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे, तो पूजा करने के बाद अभी प्रसाद वगैरह सबको देना पड़ेगा, तो प्रसाद वगैरह सभी को दे दिए, उसके बाद ढलाई स्टार्ट हो चुका है, तो जब तक ढलाई होता है मैं पोल्ट्री वगैरह लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पोल्ट्री लेने आ चुका हूँ, तो मेरे साथ आया हुआ है तरुण, तो मैं उसको कॉल करके बुलाया कि चलो भाई पोल्ट्री लेने जाएंगे, तो आ चुका है मेरे साथ, और भैया जी अभी नए नए खोले हैं, तो उनको इतना अच्छे से काटना नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, तो भैया जी अभी वजन कर रहे हैं, तो हम लोग 10 किलो तो भाई वजन 10 किलो हो चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो वजन 10 किलो हो चुका है, तो अभी भैया जी काटेंगे, तो यार क्या ही स्पीड है, हम लोग को तो लगा था कि भैया जी नया नया खोले हैं तो इनका स्पीड इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट पता नहीं कैसे इतना स्पीड काट रहे हैं, वाह वाह, तो भैया जी इतना स्पीड काट ले रहे हैं, पता नहीं कैसे, शायद पहले से जानते होंगे वगैरह। तो गाइस कटाई वगैरह हो चुका है, अभी प्लास्टिक में भर रहे हैं, तो भरने के बाद अभी हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि भैया अभी खोल के थे, खोली वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर जाएंगे अभी खोली लेने के लिए, खोली खोला गिलास वगैरह लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि गिलास उनका घर में रहता है और दुकान में नहीं रहता है, तो वहाँ पे जाते हैं फिर लेट हो गया थोड़ा, तो अभी जाएंगे वहाँ पे लेने के लिए। तो गाइस वापस हम लोग घर आ चुके हैं, और जैसा कि आज को भैया जी बोल रहे थे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो वो भी देखना पड़ेगा, बट अभी टाइम नहीं हो पा रहा है देखने के लिए, बहुत ही काम पड़ा हुआ है, तो देख। तो गाइस मिस्त्री लोग अभी ब्रेक लिए हैं, थोड़ा हड़िया वगैरह खाएंगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उधर खाना वगैरह बन रहा है, तो कितना देर हुआ क्या नहीं दिखाता हूँ, तो अभी अंकल के घर से जा रहा हूँ बाहर, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है, चल के दिखाता हूँ वहाँ पे। तो गाइस आगे से भैया जी आ रहे हैं, हाँ आधा ढले हो गया है, और यहाँ पे अभी मांस बन रहा है, सब्जी वगैरह बन चुका है, बस भात ही नहीं बना है, तो भात बन जाएगा इसके बाद, तो खटिया वगैरह लाना पड़ेगा मेरे को, अभी कार्ड वगैरह सब लाना पड़ेगा, वो भी लाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद जाएंगे आगे। तो अभी वो लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं, अभी दोबारा मशीन स्टार्ट होगा, तो देखिए कैसे क्या करते हैं, और यहाँ पे यूट्यूबर लोग भी आए हुए हैं, तो शॉर्ट वगैरह बना रहे थे ब्रेक के टाइम में, भैया जी स्टार्ट करेंगे अभी, देखते हैं कैसे, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो गाइज मशीन स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद अभी यहाँ पे बालू वगैरह सब लाएंगे, पानी डालेंगे, उसके बाद मिक्सिंग होगा, उसके बाद वहाँ पे ढलाई वगैरह करेंगे, तो बालू वगैरह ला रहे हैं, पानी वगैरह दे दिए, और हम मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे सब मांस वगैरह बन चुका है, भात भी बन चुका है, अभी हम लोग खाना वगैरह दे देंगे भैया लोग को, दादू लोग अंकल लोग सभी को दे देंगे, और ढलाई वगैरह इधर हो रहा है, तो ढलाई का भी पूरा देख सकते हैं, उसके बाद उंगली पे यूँ उठा सकता हूँ, देखना चाहेंगे, पकड़ हाथ पकड़, दोनों हाथ भाई, जिसे मैं यूँ उठा सकता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत हल्का है, खाता वाता कुछ है नहीं, बोलने से नहीं करता है, तो मैं आप लोग को पास लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है।
तो अभी करंट तो आ गया है, चला गया था, उसके बाद अभी लगा हुआ है वहाँ पे, ढलाई वगैरह चल रहा है, आप लोग देखिए। और गाइस यहाँ पे खाने को भी दे दिए हैं, तो दोस्त लोग हैं यहाँ, काका अंकल दादू सबको यहाँ पे खाना खा रहे हैं, जेठा वगैरह सबको को दे रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ पे जो मेरी बहन है, दो बहन है और भाई, वो लोग भी दे रहे हैं, खोली वगैरह छोटे बच्चे हैं फिर भी दे रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे चलिए मैं अपने ले चलता हूँ। उसके बाद ढलाई वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, तो 3-4 बजे तक कंप्लीट हो गया है ढलाई वगैरह सब। उसके बाद मिस्त्री लोग सब हाथ धो के उन लोग को भी खाना वगैरह दे दिए। और तो कंप्लीट होने के बाद अभी पापा सभी को पैसा दे देंगे। तो अभी कुछ लोग कोसापल्या से थे, कुछ दुखना सोल से, उसके बाद कुछ महिला से भी थे, तो सभी को एक ही जन को दे दिए क्योंकि खुचरा इतना था नहीं, तो सभी को एक ही बार मिल गया। वो लोग भाग भाग कर लेंगे अपना। उसके बाद कुछ मांस वगैरह सब बच गया था। उसके बाद फिर सुबह होता है तो ये वगैरह सब साइड का पाटा वगैरह सब छड़ा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो देना पड़ेगा ईंटा वगैरह ताकि कोई गिरे ना। उसके बाद वो पानी भी देना पड़ेगा तो वो जम के रहेगा ना, तो इसीलिए ईंटा वगैरह सब देना पड़ेगा, इसीलिए सब हटाना पड़ेगा। तो ये सब हटाने के लिए पोछा वगैरह सब काट वगैरह दिया था, वो पता नहीं क्या ही मतलब पूरा एकदम चूना लग जाए। उसके पास से कोई भी भाटा वगैरह सब सेंटरिंग के लिए मत लीजिएगा, बेकार है उसका। तो अभी पापा आ गए। उसके बाद देखना वहाँ पे कुछ ये था, मतलब तार को हिला दिए थे तो उसमें वो गड्ढा थोड़ा बहुत हो गया था, तो पानी वगैरह लीक कर सकता है, इसलिए वहाँ पे सीमेंट घोला वगैरह दे दिए। उसके बाद चारों तरफ से ईंटा वगैरह दे दिए। उसके बाद पानी देना पड़ेगा तो कल को देने के लिए बोले, आज को नहीं देना है वरना उठ जाएगा वगैरह वगैरह। तो सीमेंट दे दिया, तो उसके बाद मिस्त्री लोग पैर वगैरह सब धो रहे हैं, पैसा वगैरह उन लोग को भी दे दिए पापा। उसके बाद लोग सब चले जाएंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा बताइए, और कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।